चलिए स्टार्ट करते हैं। कल पहला वीडियो था, आज ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इसमें अब आज हम आगे पढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ आगे के जो बचे थे उनके बारे में। तो कुछ मात्रक कल बच गए थे, छूट गए थे, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लंबाई के मात्रक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम। तो लंबाई का मात्रक देखिए, एक तो होता है किलोग्राम, सॉरी किलोमीटर। क्या होता है? किलोमीटर। तो एक किलोमीटर में कितना किलोमीटर, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000, 1000 मीटर होता है। अच्छा, एक हमने आपको और बताया था कि प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ये भी लंबाई का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? लंबाई का मात्रक होता है। एक बताया था पारसेक, तो पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक भी लंबाई का मात्रक है, लेकिन ये लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है, ध्यान रखना। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.6 × 10⁻¹² किलोमीटर। या फिर अगर यहाँ 12 होगा तो किलोमीटर होगा, अगर यहाँ 12 की जगह 15 होगा तो फिर क्या होगा? मीटर होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। 10⁻¹² अगर 15 होगा तो इधर मीटर होगा, अगर 12 होगा तो इधर क्या होगा? किलोमीटर होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें। ठीक है, आगे देखते हैं। पारसेक जो है लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 3.26 पारसेक होते हैं। किसमें? 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। किसमें? एक पारसेक में। एक पारसेक में कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक और होता है लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक एक और होता है, इसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU से लिखा जाता है, या फिर इसी को खगोलीय मात्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खगोलीय मात्रक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? खगोलीय मात्रक भी बोला जाता है। एक खगोलीय मात्रक में कितना? 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितना? 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। या फिर इसी को हम और लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको, या फिर इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि 149.6 मिलियन, क्या है? मिलियन किलोमीटर। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन के आता है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू फिर कितना होगा? 1 मिलियन कितना होगा? तो 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁶। 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁶। ठीक है, ध्यान रखना, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁻⁶ होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है फर्मी। ठीक है, क्या है? फर्मी। एक फर्मी में कितना? 10⁻⁵ कितना? 10⁻⁵ क्या होता है? मीटर होता है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁵ होता है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁵ होता है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁵ होता है। 10⁻⁵ होता है। ठीक है, 1 फर्मी इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁵ होता है। कितना होता है? 10⁻⁵ होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। एक गज, तो एक गज में कितना होता है? एक गज में 3 फीट होते हैं। कितना होते हैं? 3 फीट होते हैं। एक गज में कितना होता है? 3 फीट होता है। एक गज में कितना होता है? 3 फीट होता है। ठीक, अच्छा, एक गज में मीटर कितने होते हैं? एक गज में मीटर होते हैं 0.9144। एक गज में कितना मीटर होता है? 0.9144 मीटर होते हैं। अच्छा, एक फीट में कितना इंच होता है? एक फीट में 12 इंचेस होते हैं। कितने होते हैं? 12 इंचेस होते हैं। और एक फीट में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 30 सेंटीमीटर होते हैं। एक मील में कितना होता है? 1.6 किलोमीटर होता है। 1.6 किलोमीटर होता है, या फिर 1600 मीटर होते हैं। कितना? 1600 मीटर होते हैं। मीटर अगर पूरे देखे जाएंगे तो 1634 मीटर होते हैं। कितने? 1634 मीटर होते हैं। अच्छा, ये मील है, ये कहाँ पर मापा जाता है? ये जो मील है ये धरातल पर मापा जाता है। मील कहाँ पर? धरातल पर मापा जाता है। एक होता है नॉटिकल मील,
ठीक है, नॉटिकल मील। इस नॉटिकल मील का यूज़ कहाँ होता है? नॉटिकल मील का यूज़ होता है जो जहाज़ होते हैं, जहाज समुद्र में जो दूरी मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? नॉटिकल मील में मापी जाती है। तो 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, यानी कि 1800 मीटर। 1800 मीटर क्या होता है? 1 नॉटिकल मील होता है। क्या होता है? 1 नॉटिकल मील होता है। आगे देखते हैं, वन माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, जहाँ पर माइक्रो लगा हो, माइक्रो को म्यू से भी लिखते हैं, ठीक है। माइक्रो जहाँ पर लगा हो, ध्यान रखना 10^-2 का लगा दोगे। क्या लगा दोगे? 10^-2 का, ठीक है, 10^-2 लगा देंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा? माइक्रो मिल जाएगा। 10^-6, 10^-6 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? 10^-6 लगा देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? माइक्रो। 1 माइक्रो इज इक्वल टू होता है 10^-6 मीटर, माइक्रोमीटर अगर लगा होगा, ठीक है। नैनो में 10^-9 होगा, और एंगस्ट्रॉम जहाँ पर लगाओ वहाँ पर 10^-10 लगाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो एंगस्ट्रॉम होता है वो किसका मात्रक होता है? जो एंगस्ट्रॉम होता है वो किसका मात्रक होगा? वो तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। किसका? तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। तरंग दैर्ध्य को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है क्षेत्रफल का मात्रक। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक, ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। कितना? वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? वर्ग मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? वर्ग मीटर, ठीक। ये SI यूनिट होता है। SI यूनिट कितना होता है? वर्ग मीटर होता है। किसका? क्षेत्रफल का। अच्छा, एक हेक्टेयर में भी पूछा जाता है, तो एक हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। कितना? 10,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर। ये क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक होता है, हेक्टेयर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है द्रव्यमान का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का SI यूनिट क्या होता है? द्रव्यमान का SI यूनिट होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। और द्रव्यमान का एक और मात्रक, और भी अलग अलग पद्धतियों में मात्रक होते हैं। एक होता है अंश, अंश में पूछा जाता है, अंश में। एक अंश बराबर 28.35 ग्राम, ठीक है। 1 पाउंड इज इक्वल टू होता है, ये 1 पाउंड वाला बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। 1 पाउंड वाला बहुत पूछा जाता है, तो 1 पाउंड इज इक्वल टू कितना होता है? 1 पाउंड इज इक्वल टू होता है 453, 1 पाउंड इज इक्वल टू 453 ग्राम होता है। 1 पाउंड इज इक्वल टू क्या होता है? 453 ग्राम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, और 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। 1 कैरेट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। ये जो कैरेट है, 1 कैरेट में, ठीक है, तो 1 कैरेट में कितना ग्राम होता है? 205 होता है। कितना होता है? 205 होता है, ठीक है, 205.3, कभी कभी 205 लिख देता है, तो 205 ग्राम होता है। अच्छा, कैरेट में क्या मापा जाता है? कैरेट में शुद्धता मापी जाती है, किसकी? सोने चांदी और किसकी? हीरे की। क्या मापी जाती है? शुद्धता मापी जाती है। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। कितना? 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। अच्छा, जो सोना जिससे आभूषण बनाए जाते हैं वो कितने कैरेट का होता है? वो होता है 22 कैरेट का। कितना? 22 कैरेट का होता है। कितना होता है? 22 कैरेट का होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, समय का मात्रक। समय का SI यूनिट क्या होता है? समय का SI यूनिट होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड होता है। अच्छा, समय
एक और मापा जाता है समय। वर्ष भी समय का मात्रक है, माह भी समय का मात्रक है, घंटा भी समय का मात्रक है, मिनट भी समय का मात्रक है, माह भी समय का मात्रक है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं, कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं, ठीक है, 366 दिन होते हैं। कब? एक लीप ईयर में। अच्छा, एक साधारण ईयर में 365 दिन होते हैं। एक लीप ईयर में फरवरी कितने की होती है? 29 की होती है। और सिंपल ईयर में कितनी होती है? 28 की होती है, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे। समय का मात्रक समझ गए, ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। आगे देखते हैं दाब का मात्रक। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है बार। दाब का मात्रक होता है बार, या दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। पास्कल भी होता है। एक बार बराबर 10^5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर 10^5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक है। इसी को न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। इसी को न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर 10 पास्कल होता है। 10 पास्कल होता है एक बार बराबर। अच्छा, एक बार बराबर 10^6 प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ये वर्ग सेंटीमीटर होता है, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर होता है। अगला देखते हैं, आगे है धारिता का मात्रक। तो धारिता का मात्रक क्या? लीटर। तो एक लीटर में कितना घन सेंटीमीटर, ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। एक लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, और एक गैलन में 3.785 लीटर होते हैं। इसको 3.8 भी लिख सकते हैं। एक बैरल, ये इंपॉर्टेंट है, एक बैरल में कितना होता है? 158.9873 लीटर होता है। इसको कभी कभी 159 भी लिख देता है, 159 भी लिख देता है लीटर में। तो एक बैरल बराबर 159 बैरल भी हो जाता है, इसको ध्यान रखना, लीटर भी हो जाता है। एक बैरल 159 लीटर के इक्वल भी हो जाता है, तो इसे भी ध्यान रखना है आपको। अगला देखते हैं ताप का मात्रक। अच्छा, ताप का मात्रक क्या? ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन, ठीक है, केल्विन होता है ताप का ऐसा यूनिट। अच्छा, ताप का एक डिग्री सेल्सियस भी होता है। ताप का एक फारेनहाइट पैमाना भी होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो किसके बराबर होता है? कितने केल्विन के बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन के बराबर। किसके? 273 केल्विन के बराबर। 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन के बराबर। किसके बराबर? 273 केल्विन के बराबर। अच्छा, इसमें एक और पूछा जाता है, केल्विन और फारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट का कौन सा पाठ्यांक समान रहता है? तो डिग्री और सेल्सियस का माइनस का 40। डिग्री का जो टेम्प पाठ्यांक है माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस का 40 डिग्री फारेनहाइट, दोनों सेम रहते हैं। अच्छा, मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? ह्यूमन के शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, फारेनहाइट की बात करें तो फारेनहाइट में होता है 98.6। कितना? 98.6 फारेनहाइट में होता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा स्तनी होता है जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है? तो बकरी होती है जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस का एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद में एक वीडियो और आएगा जिसमें मापक यंत्र होंगे, और उसके बाद एक और दो वीडियो और आएंगे, इसमें एक में मापक यंत्र और एक में हम लोग आविष्कार को पढ़ेंगे, और उसके बाद में एक तीसरा वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें हमारा एक टेस्ट सीरीज़ होगी।